स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है तत्वों का अवर्त वर्गीकरण। तत्वों का अवर्त वर्गीकरण पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हम पिछले वीडियो के अंदर डोबेरेंडर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम और मेंडेलीफ की अवर्त सारणी डिस्कस कर चुके हैं और अब हम बात करेंगे आधुनिक अवर्त सारणी की। तो आधुनिक आवर्त सारणी, तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो मेंडेलीफ की सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में एक जो डिफरेंस है, मेंडेलीफ की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दी गई है और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर दी गई है। जहां मेंडेलीफ की सारणी में परमाणु द्रव्यमान को आधार माना गया है, वहां आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक को आधार माना गया है। तो मेंडेलीफ ने कहा था तत्वों के जो रासायनिक गुण है वो उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं और आधुनिक आवर्त नियम के अंदर तत्वों के जो रासायनिक गुण हैं वो उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। बाकी कल भी हमने चर्चा की थी आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में हल्की फुल्की, तो जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है तो पहले मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखें, कल का वीडियो देखें, फिर आप इस टॉपिक पर आए। तो आधुनिक आवर्त सारणी, तो मोजले ने क्या किया, रासायनिक गुणों में समानता तथा परमाणु क्रमांक के आधार पर ये सारणी व्यवस्थित की थी और निम्न नियम दिया था, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। जहां मेंडेलीफ में परमाणु द्रव्यमान वर्ड लिखा गया था, वहां आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक शब्द लिखा गया है और इसमें 18 खड़ी लाइनें हैं, 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। अब 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों का कारण बता दूं मैं आपको कि 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां क्यों हैं, क्योंकि इसमें 18 लाइनों में एस ब्लॉक तत्व है, पी ब्लॉक तत्व है और डी ब्लॉक तत्व है। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक तत्व हैं। अब एस में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2, तो 2 लाइनें एस ब्लॉक की बन जाएंगी। पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 6, तो 6 लाइनें पी ब्लॉक की बन जाएंगी। और डी में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 10, तो 10 लाइनें डी ब्लॉक की बन जाएंगी। तो 2 लाइनें एस ब्लॉक की, 6 लाइनें पी ब्लॉक की और 10 लाइनें डी ब्लॉक की, आप ऐड करके देखें तो 2, 6, 8 और 10, 18, तो 18 खड़ी लाइनें बन जाएंगी जिन्हें हम वर्ग या समूह कहते हैं। क्योंकि आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक को तो नीचे स्थान दिया गया है, एस पी और डी ही ऊपर रखे गए हैं, तो एस ब्लॉक में 2 लाइनें बनेंगी, पी ब्लॉक में 6 लाइनें बनेंगी, डी ब्लॉक में 10 लाइनें बनेंगी। अंडरस्टूड है, इसको भी कई लोग क्रमिंग करते रहते हैं कि 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है आपको। कॉमन सी बात है कि ऊपर एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है और डी ब्लॉक है, तो एस में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2, पी में कितने भरते हैं, 6, डी में कितने भरते हैं, 10, तो अपने आप 18 लाइनें बननी बननी है, क्योंकि 2 लाइनें एस ब्लॉक की बनेंगी, 6 लाइनें पी ब्लॉक की बनेंगी, 10 लाइनें डी ब्लॉक की बनेंगी। तो 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां बनेंगी जिन्हें हम वर्ग या समूह कहते हैं और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। वो 7 क्षैतिज पंक्तियां क्यों हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक जो तत्व खोजे गए हैं उनमें अधिकतम 7 ही कोष खोजे गए हैं, 7 ही कोष खोजे गए हैं, 7 ही कोष खोजे गए हैं। तो जो आवर्त है, प्रत्येक आवर्त एक कोष को बताता है, प्रत्येक आवर्त एक कोष को बताता है। पहला आवर्त है तो इसका मतलब तत्वों में पहला कोष चल रहा है, दूसरा आवर्त है तो मतलब तत्वों में दूसरा कोष चल रहा है, तीसरा आवर्त है तो मतलब तत्वों में तीसरा कोष चल रहा है। तो अभी तक कितने आवर्त खोजे गए हैं, 7, तो इसलिए 7 ही आवर्त है। क्लियर, तो कोषों के आधार पर आवर्त व्यवस्थित है और इलेक्ट्रॉनों के आधार पर वर्ग व्यवस्थित है। ऐसे लोग में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 लाइनें, पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन यानी 6 लाइनें और डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन यानी 10 लाइनें, तो इस प्रकार 18 लाइनें बनेंगी जो खड़ी होंगी यानी ऊर्ध्वाधर होंगी, तो जिन्हें हम वर्ग या समूह बोलते हैं। और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, 7 क्षैतिज लाइनें हैं, क्योंकि 7 ही कोष हमें वर्तमान में ज्ञात हैं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। तो ये आधार है मेन, 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां और 7 क्षैतिज पंक्तियां। अब आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ या लंबा रूप भी कहते हैं, तो वो आवर्त सारणी जो है वो बिल्कुल आपके सामने पड़ी है। तो ये पहली जो 2 लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, हाइड्रोजन वाली और बेरिलियम वाली, फिर एक वीडियो में आपको ये भी डाल दूंगा कि कैसे ये बनानी है आवर्त सारणी, वो सारा क्लियर कर दूंगा आपको।
तो ये जो दो लाइनें हैं ये एस ब्लॉक की हैं, ये एस ब्लॉक की दो लाइनें हैं। पहली लाइन क्षार धातु है, दूसरी लाइन क्षार मृदा धातु है। पहली लाइन क्षार धातु है, दूसरी लाइन क्षार मृदा धातु है। अभी हम आवर्त सारणी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आपने ये बनाने का भी प्रयास नहीं करना है। मैं आपको एक एक बात क्लियर कर दूंगा कि कैसे इसको बनाना है, सारा क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी आज हम इसके कुछ पॉइंट्स जो है उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमारा जो वीडियो होगा वो आवर्त सारणी बनाने पर होगा कि आवर्त सारणी कैसे बनाई जाए, और आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, थर्ड भी फोर्थ भी सब, तो उसमें आपको कहीं डाउट नहीं रहेगा किसी प्रकार का। तो पहला जो वर्ग है हाइड्रोजन से शुरू हुआ और फ्रेंशियम तक गया, ये क्षार धातु है। दूसरा वर्ग क्षार मृदा धातु है। तो पहली दो लाइनें एस ब्लॉक को क्लियर कर रही हैं। फिर ये जो अंतिम छह लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, ये वाली अंतिम छह लाइनें बोरोन वाली, कार्बन वाली, नाइट्रोजन वाली, ऑक्सीजन वाली, फ्लोरीन वाली और अक्रिय गैसों वाली, ये छह लाइनें ये पी ब्लॉक तत्व है, क्योंकि पी में छह इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो छह ही खड़ी लाइनें बनेंगी, तो ये पी ब्लॉक तत्व है। तो यानी एस ब्लॉक तत्व जो है वो पहले वर्ग और दूसरे वर्ग में है। ये मेन बातें हैं, आप ध्यान रखेंगे, पहले और दूसरे वर्ग में एस ब्लॉक तत्व है। ए और बी वाला सिस्टम में जब आवर्त सारणी बनाऊंगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा सारा। और जो पी ब्लॉक तत्व है वो अंतिम छह में है, 18 खड़ी लाइनें, तो अंतिम छह लाइनें 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं ही हो सकती है। क्लियर? तो पी ब्लॉक तत्व अंतिम छह लाइनों में 13 से लेकर 18 तक, तो बाकी बीच में जो 10 लाइनें बच गई 3 से 12 तक, उनमें डी ब्लॉक तत्व है। ये डी ब्लॉक तत्व है 3 से 12 तक डी ब्लॉक तत्व है। डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व। तो डी ब्लॉक तत्व जो है संक्रमण तत्व है, और इन्हीं डी ब्लॉक तत्वों के बीच में जो आपको ये तीसरा वर्ग दिख रहा है, ये वाला तीसरा वर्ग, ये जो तीसरा वर्ग आपको दिख रहा है, इसमें हम नीचे चले तो ये एक स्टार लगा है, ये लेंथेनाइड तत्वों को बताता है, और ये जो दो स्टार लगे हैं ये एक्टिनाइड तत्वों को बताते हैं, जिन्हें आवर्त सारणी में नीचे अलग से स्थान दिया गया है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को आवर्त सारणी में अलग से स्थान दिया गया है। तो लेंथेनाइड तत्व यहाँ इस कॉलम में है, और एक्टिनाइड तत्व ये इससे नीचे वाली पंक्ति में रखे गए हैं। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की दो पंक्तियां आवर्त सारणी के नीचे हैं, और सबसे मेन बात कि कौन से वर्ग में स्थित है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, तीसरे वर्ग में स्थित है, तीसरे वर्ग में स्थित है। अब आवर्त देखें तो 7 आवर्त हैं टोटल, तो पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, फिर तीसरा आवर्त, फिर चौथा आवर्त, फिर पांचवा आवर्त, फिर छठा आवर्त और फिर सातवां आवर्त। तो टोटल 7 आवर्त हैं। लेंथेनाइड तत्वों का संबंध छठे आवर्त से, अब देखें मेन मेन बातें यहां निकल रही हैं, ये लेंथेनाइड तत्व है छठे आवर्त में है, तीसरे वर्ग में है। लेंथेनाइड तत्व छठे आवर्त में, तीसरे वर्ग में, और एक्टिनाइड तत्व सातवें आवर्त में है। एक्टिनाइड देखेंगे आप तो सातवें आवर्त में और तीसरे वर्ग में। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है आपके पास, लेंथेनाइड तत्व तीसरे वर्ग छठे आवर्त में, और एक्टिनाइड तत्व तीसरे वर्ग और सातवें आवर्त में स्थित है। तो ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की मेन बात है, और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। अंतः संक्रमण क्यों बोलते हैं? डी ब्लॉक तत्वों को हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो जो लेंथेनाइड है ये स्टार लेंथेनाइड को बताता है, तो लेंथेनाइड तत्व के इधर भी संक्रमण तत्व है, HF भी संक्रमण तत्व है, LA भी संक्रमण तत्व है। तो LA और HF के बीच में लेंथेनाइड है, यानी संक्रमण तत्वों के बीच में लेंथेनाइड है, ऐसे ही संक्रमण तत्वों के बीच में एक्टिनाइड है, इसलिए लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि ये संक्रमण तत्वों के बीच में पाए जाते हैं। क्लियर? तो संक्रमण तत्वों के मध्य उपस्थित होने के कारण इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी जो है, लेंथेनाइड श्रेणी ये वाली श्रेणी, ये 4F श्रेणी कहलाती है, 4F श्रेणी, और जो एक्टिनाइड श्रेणी है वो 5F श्रेणी कहलाती है। एक्टिनाइड श्रेणी 5F श्रेणी कहलाती है, क्योंकि लेंथेनाइड में इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में भरा जाता है,
और एक्टिनाइड में इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में भरा जाता है, इसलिए लैंथेनाइड श्रेणी को 4f श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी को 5f श्रेणी कहते हैं। अब इनको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड नाम क्यों दिया वो भी देख लें, क्योंकि लैंथेनाइड श्रेणी जो है वो लैंथेनम के बाद के 14 तत्व है, Li जो है वो लैंथेनम में, लैंथेनम के बाद के 14 तत्व लैंथेनम के बाद आते हैं इसलिए लैंथेनाइड कहलाते हैं। तो ये लैंथेनाइड तत्व जो है लैंथेनम के बाद स्थित है, तो 4f श्रेणी के जो तत्व हैं वो लैंथेनम के बाद हैं इसलिए इन्हें लैंथेनाइड कहते हैं। ऐसे ही 5f श्रेणी के जो तत्व हैं वो एक्टिनम के बाद हैं इसलिए इन्हें एक्टिनाइड तत्व कहते हैं। तो ये कारण है इन्हें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड बोलने का। लैंथेनम के बाद स्थित 14 तत्व लैंथेनाइड और एक्टिनम के बाद स्थित 14 तत्व एक्टिनाइड तत्व कहलाते हैं। तो ये हमारे पास वर्ग की चर्चा की हमने। एस ब्लॉक तत्व पहले दो वर्गों में, पहले और दूसरे में। पी ब्लॉक 13वें से 18वें वर्ग में स्थित है। डी ब्लॉक तीसरे से 12वें वर्ग में स्थित है। डी ब्लॉक तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक तत्वों की जो प्रथम पंक्ति है वो क्षार धातु है, द्वितीय पंक्ति जो है वो क्षार मृदा, एस ब्लॉक तत्वों की प्रथम पंक्ति क्षार धातु है, द्वितीय पंक्ति क्षार मृदा धातु है। एफ ब्लॉक तत्वों का आवर्त सारणी में नीचे स्थान दिया गया है। पहले वाली लाइन में इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में भरा गया इसलिए वो 4f श्रेणी बनी, दूसरी लाइन में इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में भरा गया इसलिए वो 5f श्रेणी बनी। 4f श्रेणी को लैंथेनाइड बोला गया क्योंकि वो लैंथेनम के बाद है, 5f श्रेणी को एक्टिनाइड बोला गया क्योंकि वो एक्टिनम के बाद है। अब चर्चा करें हम आवर्त की, आवर्त की चर्चा करें तो पहला आवर्त आप देखें, ये पहला आवर्त जिस पर मैं सर्किल लगा रहा हूं ये अति लघु आवर्त है, बहुत ही छोटा आवर्त है, क्योंकि इसमें आप देखें तो दो ही तत्व हैं, एक तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और एक बिल्कुल लास्ट में हीलियम है, 18वें वर्ग में हीलियम। तो ये पहला आवर्त है, पहले आवर्त में दो ही तत्व है हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि पहले आवर्त का संबंध सिर्फ एस कक्षक से है। अब एस कक्षक में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ऐसे में दो, तो ऐसे में हम दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसलिए पहले आवर्त में सिर्फ दो ही तत्व हैं, क्योंकि पहले आवर्त में इलेक्ट्रॉन सिर्फ एस कक्षक में ही भरा गया है इसलिए पहले आवर्त में दो ही तत्व हैं, अतः पहला आवर्त अति लघु आवर्त है। अब बात करें दूसरे और तीसरे की, दूसरे की और तीसरे की, तो दूसरे और तीसरे में इलेक्ट्रॉन एस में भी भरा गया है और पी में भी भरा गया है, एस में भी भरा गया है और पी में भी भरा गया। वैसे में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दो, पी में कितने भरते हैं, छह, इसलिए इन आवर्तों में आठ आठ तत्व हैं, दूसरे में भी आठ है और तीसरे में भी आठ है, देख सकते हैं आप। लिथियम और बेरिलियम दो तो ये आगे और छह ये आगे, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन और नियोन, तो आठ तत्व आगे दूसरे आवर्त में, ऐसे ही आठ तत्व आगे तीसरे आवर्त में, सोडियम मैग्नीशियम और इधर देखेंगे तो एल्यूमिनियम सिलिकन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन और आर्गन, तो आठ तत्व दूसरे में आठ तत्व तीसरे में, तो दूसरा और तीसरा आवर्त जो है वो लघु आवर्त है। पहला आवर्त अति लघु, दूसरा तीसरा लघु, चौथा पांचवा दीर्घ, चौथा और पांचवा जो है वो दीर्घ आवर्त है, क्योंकि इसमें एस में भी इलेक्ट्रॉन भरा गया, पी में भी भरा गया और डी में भी भरा गया। तो ऐसे में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दो, पी में कितने भरते हैं, छह, डी में कितने भरते हैं, दस, तो फिर दो छह आठ और दस अठारह तत्व आ गए इनमें। चौथे आवर्त में भी 18 तत्व हैं, पांचवें आवर्त में भी 18 तत्व हैं, तो चौथे और पांचवे में 18 तत्व हैं, तो यह दीर्घ आवर्त बन गया। छठे और सातवें में अगर हम बात करें तो छठा और सातवां अति दीर्घ आवर्त, क्योंकि इनमें एफ ब्लॉक तत्व भी बीच में आ गए, ये जो स्टार और डबल स्टार लगे हुए थे ये एफ ब्लॉक तत्वों को इंडिकेट कर रहे थे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एस में भी भरा गया है, पी में भी भरा गया है, डी में भी भरा गया है और एफ में भी भरा गया है। अब एस में कितने भरते हैं, दो, पी में कितने भरते हैं, छह, डी में कितने भरते हैं, दस और एफ में कितने भरते हैं, 14, तो टोटल करोगे तो 32, अतः छठे और सातवें आवर्त में 32-32 तत्व उपस्थित होते हैं, अतः ये अति दीर्घ आवर्त है। तो पहला अति लघु, कितने तत्व हैं इसमें, दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एस में ही भरा जाता है, फिर दो दो के जोड़े बना ले, टोटल सात आवर्त है आपके पास। पहला आवर्त अति लघु है, फिर अगले दो आवर्त लघु, अगले दो आवर्त दीर्घ, उससे अगले दो आवर्त अति दीर्घ। और अब एक इंपॉर्टेंट बात, सातवां आवर्त यद्यपि अति दीर्घ आवर्त है पर ये एक अपूर्ण आवर्त है,
इसके तत्व अभी तक पूरी तरह खोजे नहीं गए हैं। तो अगर अपूर्ण आवर्त आपसे पूछ लेता है तो सातवां आवर्त अपूर्ण आवर्त है, अभी ब्लैंक पड़ा है। लास्ट में आप देख सकते हैं सातवें आवर्त के अंत में भी स्थान खाली है। ये सारा जो रेडिश कर रहा हूं मैं, ये सारा स्थान या ब्लैंक दिखाया हुआ है क्योंकि अभी तत्वों की खोज होनी बाकी है। तो सातवां आवर्त अपूर्ण आवर्त है। तो पहला अति लघु, दूसरा तीसरा लघु, चौथा पांचवां दीर्घ और छठा सातवां अति दीर्घ। पहले में कितने तत्व हैं? दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एस में ही भर जाते हैं। दूसरे तीसरे में आठ, चौथे पांचवें में अठारह और छठे सातवें में बत्तीस। तो ये आवर्त सारणी की एक चर्चा थी। अब अपने देख ले सारी बातें, हमने कोई मिस तो नहीं कर दी है, रीड कर लेते हैं अपने एक बार। आधुनिक आवर्त सारणी का संक्षिप्त विवरण। तो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रत्येक आवर्त परमाणु में उपस्थित कोष अथवा ऊर्जा स्तर को निरूपित करता है। इन आवर्तों को पुनः चार भागों में बांटा जा सकता है। तो अपने पहले चर्चा कर चुके हैं कि सात ही कोष हैं वर्तमान में हमारे पास अभी तक ज्ञात, अभी तक सात ही कोष ज्ञात हैं अपने। लिखते हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s और 7p। तो 7s और 7p लिखते हैं हम लोग। तो इसका मतलब अभी तक सात ही आवर्त हमें ज्ञात हैं। तो सात कोष ज्ञात है, इसलिए सात ही आवर्त आवर्त सारणी में बने हुए हैं। अब इन्हें चार भागों में वापिस कैसे बांटा गया? पहला अति लघु आवर्त प्रथम आवर्त है। प्रथम आवर्त पहला जो आवर्त है वो अति लघु है, उसमें केवल एस कक्षक ही लिया गया है, अतः इसमें सिर्फ दो ही तत्व उपस्थित है, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। वो खैर तत्व अपने कल मैं आपको आवर्त सारणी बनानी सिखाऊंगा, तब एक एक तत्व आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे तत्व आएगा। दूसरा आ गया लघु आवर्त, तो द्वितीय और तृतीय आवर्त, क्योंकि इसमें एस और पी कक्षक है और इनमें आठ आठ तत्व उपस्थित है, तो ये चर्चा हम कर चुके हैं अभी। दीर्घ आवर्त चौथा व पांचवा आवर्त, एस पी डी कक्षक सम्मिलित है इसमें और 18 तत्व आ गए, क्योंकि एस में कितने इलेक्ट्रॉन? दो, पी में कितने? छह, डी में कितने? 10, तो 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 तत्व आएंगे। और फिर आ गया अति दीर्घ आवर्त छठा और सातवां आवर्त, जिसमें एस पी डी एफ कक्षक सम्मिलित है। इन आवर्तों में 32 तत्व उपस्थित है, परंतु जो सातवां आवर्त है, मैं फिर आपको कह रहा हूं, अगर आपसे अपूर्ण आवर्त पेपर में पूछ लेता है कि कौन सा आवर्त अपूर्ण आवर्त है, तो सातवां आवर्त अपूर्ण आवर्त है, यह भी ध्यान रखना है हमने। नेक्स्ट बात करें हम परमाणु में उपस्थित बाह्य कोष के आधार पर आवर्त सारणी के तत्वों को चार ब्लॉक में बांटा गया है। अगर बाह्य कोष एस कक्षक है, बाह्य कोष के अंदर एस कक्षक चल रहा है बाह्य कोष में, तो एस ब्लॉक तत्व है। अगर बाह्य कोष का पी कक्षक चल रहा है तो पी ब्लॉक तत्व है। अगर बाह्य कोष का डी कक्षक चल रहा है तो डी ब्लॉक तत्व है, और अगर एफ कक्षक चल रहा है तो एफ ब्लॉक तत्व है। तो पहला एस ब्लॉक तत्व वर्ग एक और वर्ग दो, इसमें इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरा जाता है। इन तत्वों को क्षारीय धातु तथा क्षार मृदा धातु कहा जाता है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, पहली दो लाइनें एस ब्लॉक की हैं, तो पहला और दूसरा वर्ग, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरा जाता है। पहली लाइन क्षारीय धातुओं की है और दूसरा क्षारीय मृदा धातुओं की है। फिर आएंगे पी ब्लॉक तत्व 13 से 18 तक, पी ब्लॉक तत्व वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्व, इनमें पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी मुख्य विशेषता है कि इसमें धातु भी है, उपधातु भी है और अधातु भी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व सम्मिलित है, तो पी ब्लॉक में। ये भी हम चर्चा करेंगे जब आवर्त सारणी बनाएंगे कि कौन कौन से धातु हैं, कौन कौन से अधातु हैं और कौन कौन से उपधातु हैं, तो वही चर्चा करेंगे। अभी हम आवर्त सारणी का सिर्फ विवरण देख रहे हैं कि आवर्त सारणी में हमारी में संक्षिप्त विवरण की हम चर्चा कर रहे हैं। कल हम आवर्त सारणी को पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर अगर डी ब्लॉक तत्व, तो वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्व, इनमें इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है। इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। और फिर आगे एफ ब्लॉक तत्व, इनमें इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरा जाता है। इन तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। और एफ ब्लॉक तत्वों की दो श्रेणियां हैं और दोनों ही आवर्त सारणी के नीचे अलग से स्थान दी गई है। तो एफ ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे दो पंक्तियों में अलग से व्यवस्थित किया गया है। प्रथम पंक्ति के 14 तत्व लेंथेनर तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये तत्व लेंथेनम के बाद आते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में भरा जाता है, इसलिए इसे 4f श्रेणी भी कहते हैं। इन्हें आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग व छठे आवर्त में रखा गया है। तो ये भी हम चर्चा कर चुके हैं, तीसरा वर्ग है और छठा
आवर्त है कंसीडर करना है आपने एक बार आवर्त सारणी को। द्वितीय पंक्ति के 14 तत्व एक्टिनाइड तत्व कहलाते हैं क्योंकि ये तत्व एक्टिनम के बाद आते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में भरा जाता है इसलिए इसे 5f श्रेणी भी कहते हैं। इन्हें आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग व सातवें आवर्त में स्थान दिया गया है। तो वर्ग तीसरा, आवर्त सातवां। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी का संक्षिप्त विवरण था जो हमने डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के साथ। धन्यवाद।